हाय गाइज, आई एम शिवी मिश्रा। तो मेरे थंबनेल को देख के आप लोग सोच रहे होंगे और शौक होगी, और आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे थे। मतलब जितना लोग मेरी वीडियोस को नहीं भी देखते, कभी कभी देखते, उन लोगों के भी डीएम आए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी इतनी केयर किए और आप लोगों ने इतना सोचा कि आप लोग मतलब ध्यान देते हो कि मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो क्यों नहीं बना रही थी वीडियो, क्या रीज़न था, कैसे रीज़न था, एवरीथिंग आज मैं सब कुछ अपने चैनल में बताने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। एंड गाइस, मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मैं थी कोविड पॉजिटिव। गाइस, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो शॉक हुए ही होंगे ना। तो मैं आज पूरी जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कफ, कोल्ड, कुछ भी ऐसा है, तो आपको अपने आप को आइसोलेट कर देना है। गाइस, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स मेरे अंदर में आए, मेरे फैमिली में क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ा, मैं एवरीथिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन गाइस, सबसे पहली चीज़ है कि आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल रूटीन है गाइस, उसमें आपको बाहर जाना फिक्स है, और कोरोना है, आया है अपने इंडिया में, तो हर किसी को होना है। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरा डाइट रूटीन जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या खाया, कैसे क्या हुआ, मैं सब कुछ शेयर करूंगी गाइस। और मैं आप लोगों को बता दूं मुझे क्या क्या हुआ, मतलब कैसे कैसे मेरी फैमिली में ये सब कुछ हुआ। सबसे पहले गाइस, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनको हर साल ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको सांस की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत मतलब ये नहीं सोचा कि ये कोरोना हो सकता है या फिर नहीं, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी मम्मी का नहीं पता है कि उनको कोरोना है कि नहीं, बट वो आइसोलेट है क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है। जो ये वर्क है, इसके लिए टेस्टिंग है मेरे, हम लोग के यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, आई डोंट नो, हर जगह नहीं पता, बहुत लेट हो रही है, तो उनका हम लोग को नहीं पता है। बट मेरा, मुझे क्या हुआ कि मम्मी को प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे से मेरे अंदर भी कुछ सिम्टम्स आए। एक दिन दो दिन तो मेरे बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड और उसके साथ साथ में सिर दर्द, बॉडी मतलब इतना ज़्यादा पेन था, तो मुझे डाउट हो गया था कि मतलब मुझे कोरोना है, मुझे ऐसा खुद से ही लगने लगा। और उसी के दूसरे दिन गाइज, मैंने मेरा टेस्ट और स्मेल एकदम से मतलब मेरा आना ही बंद हो गया। मैंने मेरा कोई भी कुछ भी खाती थी, मुझे पता नहीं चलता था ये क्या खा रही हूँ मैं, उसका जो फ्रेग्रेंस अंदर से आता है वो एकदम से चला गया था, और उसी के साथ साथ में स्मेल एकदम से चली गई थी, जो कि मेरा बहुत लेट में आया हुआ है। मतलब कम से कम 8-9 दिन के बाद मेरा स्मेल और टेस्ट आया, अभी भी पूरे तरीके से नहीं आया है। अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ, मेरा जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुका है, लेकिन अभी भी मेरा टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आया है। ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आप लोग है आपके अंदर, तो आप लोग जान सकते हैं कि आपको कोरोना है। और अगर आप लोग के अंदर नहीं भी है, आपका बॉडी पेन करता है, आपका हेड पेन करता है, आपको कुछ भी ऐसा है, तो आप लोग जाके एक बार चेकअप करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो गलती की थी, मैं मतलब मेरी फैमिली में सबको लगता था कि ऐसे नॉर्मली है, ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे, तो हम लोग उसको डिले करते गए, तो ऐसा हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने चेकअप कराया, और चेकअप में भी सही से नहीं आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि इसमें लिख के आ गया था कि रीसैंपल। लेकिन मुझे मेरे अंदर से पता था कि कोरोना है, तो मैंने सोचा था कि मैं खुद को आइसोलेट कर लूँगी, एंड देन जो भी मुझसे हो पाएगा मैं वो चीज़ें करूँगी ठीक होने के लिए। उसके बाद मैं 10 दिन के बाद अपना खुद फिर से चेकअप करवाऊँगी, मैंने ये चीज़ें अपने माइंड में सेट कर ली थी। उसके बाद गाइज, मैंने बहुत बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, मैंने मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाई, विटामिन सी, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी से आपका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, तो विटामिन सी की टैबलेट्स मैंने खाई, बहुत ज़्यादा फ्रूट खाए। और जो आप लोग पूरे दिन में खाना खाते हो, उसमें आप लोगों को चावल को अवॉइड करना है गाइज, ठंडी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना है, आप लोगों को गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोग क्या खा सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, मैं एवरीथिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी इन डिटेल, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई हैं, जो कि 5 से 6 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसके बाद मैंने कुछ दिन में टेस्ट कराया, मेरा टेस्ट में नेगेटिव आ गया, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए हुए थे। मैं गिलोय का काढ़ा, मतलब गिलोय बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आपको पता होगा, मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने जो नेचुरल गिलोय होती है पेड़ वाली, उसको भी यूज़ किया, उसको भी मतलब पिया काढ़े के साथ साथ में, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने मतलब मैंने खाया, काढ़ा पिया, और बहुत कुछ मतलब अपने जो डाइट है उसको थोड़े से स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोग को अपना डाइट चार्ट बना लेना है आपको, जो कि हर 15 मिनट पे आप कुछ ना कुछ खाते रहें। और मेन चीज़ गाइस, आप लोगों को अपने गले को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। आपके अगर कुछ नहीं खाने का मन है, तो आप लोग विटामिन सी की टैबलेट अपने मुँह में ले लो, उसको ऐसे मुँह में रखे रहो तो भी ठीक रहेगा, लेकिन गले को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग को लौंग है आपके घर में, तो आप लौंग खा सकते हो, इलायची खा सकते हो, ऐसा कुछ भी मुँह में कंटिन्यू आपको रखना है, या फिर आप लोग अदरक
अदरक भी रख सकते हो ताकि आपको कफ ना आए और आपका गला सूखे ना, क्योंकि गले को आपको बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। और गाइस एक सिम्टम और है, आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी, मेरा जो कोल्ड था वो दो दिन में ठीक हो गया था, बट गाइस मेरा जो ये गला, मतलब ऐसे वॉइस जो मेरी आती है, आप लोग खुद ही देखो अब नॉर्मल नहीं रही है, क्योंकि बिल्कुल मैं अब नेगेटिव हो चुकी हूँ बट मेरी वॉइस जो है वो चेंज है। तो गाइस जो पॉजिटिव की बात करूँ आने का रिपोर्ट, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि यस आई एम कोविड पॉजिटिव। तो मुझे पता था, फिर भी मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मेरी फैमिली मेम्बर्स को पता था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, और मैंने कोई भी टेस्टिंग नहीं करवाई थी। तो जब मैंने टेस्टिंग करवाई, लेकिन तब करवाई जब मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट अब नेगेटिव आना है, तो मैंने करवाया। और नेगेटिव आने के बाद भी गाइज मैंने, मतलब दो दिन से, अभी मेरा दो दिन पहले नेगेटिव आ चुका है, मैं तब भी बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, गिलोय का काढ़ा जो है वो पी रही हूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ, जो कि डाइट आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। गाइज आपको इम्यून पावर स्ट्रांग रखना है, कीवी आपको खाना है, ऑरेंज आपको खाना है, विटामिन सी के सारे फ्रूट्स आपको खाना है, लेमन आपको खाना है। तो बहुत लोगों ने, मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड भी इसमें मेरी बहुत हेल्प किए हैं, मेरे फैमिली मेम्बर ने, मतलब बहुत इतना, मतलब किया है कि ठीक होना ही था, क्योंकि फैमिली में किसी ना किसी को, एक इंसान को स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपके, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपकी हालत जो है बिगड़ सकती है। तो यस गाइस, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इतने दिन से मैं वीडियोस को क्यों नहीं शेयर कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट तब शेयर करूंगी जब मेरा कोरोना नेगेटिव आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा, तभी मैं शेयर करूंगी। एंड गाइस गुड न्यूज़ है आप सबके लिए कि मेरा कोरोना जो है वो नेगेटिव आ चुका है, रिपोर्ट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हाँ, जो अंदर से कोरोना बॉडी को डैमेज कर देता है कुछ ना कुछ, किसी किसी को तो सिम्टम्स आते ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और किसी किसी को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी बॉडी वीक होती है सिम्टम्स उसके पास ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी थोड़ी बहुत वीक है, तो मेरे अंदर सिम्टम्स ज़्यादा पता चले, और मेरे घर में मेरे फादर को भी है, उनका अब उनकी इम्यून पावर वीक स्ट्रांग है, तो उनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव हैं, अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, और वो मेरे छत पर आइसोलेट हैं। तो अगर आप में ऐसा कुछ होता है तो, या फिर आपके बिल्डिंग में आप कहीं भी रहते हो, किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल भी उसे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये वायरस है गाइस, सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अगर किसी के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है, मैंने इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे मैं रहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई मैंने ये चीज़ फील किया, मैं ये मैसेज उन लोगों को भी पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आपको फील होता है कि आपके अगल बगल कोई भी कोविड पॉजिटिव है, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि आपको होना ही होना है, अगर आप उस एनवायरनमेंट में हो, आप कहीं इस मतलब अर्थ पे हो, तो आपको कोरोना होना है, क्योंकि आप वायरस है, किसी को भी हो सकता है, आपको बिना आपको बता के नहीं आएगा आपके पास, तो किसी को भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उस इंसान से भागने की भी जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप उनके पास जाओ, बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन आप उनसे ऐसा बिहेव मत करो, उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस आप लोग बना के रखो, जैसा कि हर एक जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको हर एक हॉस्पिटल्स में कि 2 गज की दूरी बना के रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अलग कर दो एकदम से, आइसोलेट करना अलग चीज़ होती है, और मतलब उनसे एक अजीब सा बिहेव करना अलग चीज़ होती है। तो आपको अजीब बिहेव नहीं करना गाइज, उनके साथ में उनकी हेल्प करना, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो तो दूर से कर सकते हो उनके लिए, वो करो। ये नहीं करना कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि ये हर किसी को हो सकता है। अगर आप लोग रिकवर हो चुके हो तो एक्सपीरियंस बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग नहीं रिकवर हुए हो तो आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस अभी से ही ले लेने चाहिए। अगर आप लोग ऑफिस जाते, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ आप जॉब करते हो, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो पाई होगी। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप ये पूछने की ज़रूरत नहीं मुझे इस वीडियो में, लेकिन गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत मेरी बातों से आपको मोटिवेशन मिली है या फिर कुछ भी ऐसा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और इतने दिन बाद अगर मेरे चैनल पे आए हो और कुछ मैसेज पहुँचाना चाहते हो मेरे तक, तो नीचे कमेंट बॉक्स। अब तो हर जगह का लगभग लॉकडाउन जो है ओपन हो चुका है, आप लोगों को तो बाहर आना जाना है ही, तो बस आप लोग कर सकते हो अपने लिए तो इतना कि आप लोग प्रिकॉशंस लो, आप विटामिन सी खाओ, मल्टीविटामिन खाओ जो कि आपसे हो सकता है, काढ़ा पियो। एंड इस वीडियो को बनाने के बाद मैं जस्ट नाउ काढ़ा पीने जा रही हूँ, तो काढ़ा आपको टाइम टाइम पे पीते रहना है, ज़्यादा भी नहीं पीना है, एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप लोगों को काढ़ा पीना है, तो अभी मैं काढ़ा पीने ही वाली हूँ। आपको मॉर्निंग में काढ़ा पीने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको दोपहर में और रात में, और गले को सूखा बिल्कुल नहीं रखना है। आई होप आप सबके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हो पाई होगी, हेल्पफुल है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।